आजकल इस संसार में लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि पढ़ा पढ़ाया ज्ञान हमको नहीं चाहिए, सुना सुनाया ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हम तो कोई एक नया ज्ञान जानने की सोच करके आए हैं। आप लोगों में भी हो सकते हैं। चलो जगन्नाथपुरी में कथा हो रही है, सुना है जगदीशपुरी की कथा है, कोई नया ज्ञान मिलेगा। माफ करिएगा महाराज, मेरे पास में कोई नया ज्ञान नहीं है, मैं तो एक डाकिया हूं। और जो डाक मिली है परंपरा से आई है, गुरुजनों से प्रसाद में मिली है, वही ज्ञान मैं आपको दूंगा। मैं आपको ठगने के लिए नहीं आया हूं कि ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिसको आज तक कोई नहीं जानता, वो शोध की है जिसको आज तक किसी ने नहीं की। अगर मैं ऐसी ठगाई की बात करूं तो आप बताइए, मैं यह कहूं कि यह नया ज्ञान तुम्हारे लिए है, पर नया ज्ञान बिल्कुल सही ज्ञान है, इसकी प्रामाणिकता क्या होगी? कौन इस पर सही की मोहर लगाएगा? जयपुर में एक बार गीता ज्ञान यज्ञ हुआ, एक सज्जन अपने घर पर ले गए, पदरावनी के रूप में ले जाते हैं लोग, तो उनके मित्रजनों को भी बुलाया, पड़ोसी पड़ोसियों को भी, 15-20-25 लोग घर पर इकट्ठे हो गए। हम जब गए तो सब बैठे हुए थे। उस यजमान ने, श्रद्धालु ने कहा, महाराज ये सब लोग हमारी मित्र मंडली हैं, परिवार के लोग हैं, सबके सब प्रवचन में नहीं आ सकते हैं, थोड़ा आप यहीं कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ सत्संग सुनाइए। ईश्वर की जो प्रेरणा हुई, 15-20 मिनट थोड़ा उनको सुनाया, भगवान नाम की महिमा श्रवण करवा दी। और उसमें जो अनुभव था महापुरुषों का, कबीर का, मीरा का, सूर का, जो भी कोई पंक्ति ध्यान में आई तो वो भी मुंह से निकली कि उन्होंने सबने भगवान नाम की महिमा कही है, इसलिए संतों का अपना अनुभव है और आप भगवान नाम का अभ्यास करिए। बड़े ध्यान से भाव से लोग सुन रहे थे, पर एक सज्जन को वो मेरी बात गले के नीचे नहीं उतर रही। जब कुछ भी महापुरुष का उदाहरण देकर के बोलता हूं तो ऐसे करने लगे। आप लोगों को भी जब कथा में रस नहीं आएगा तो क्या करोगे? या तो ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर मोबाइल निकालोगे, वो करोगे। मुझे लग रहा था कि इनको ये संतों का अनुभव की जो बात सुना रहा हूं, मान लो कोई कड़वी दवा पिलाई जा रही हो। 15-20 मिनट बोलने के बाद जो ही मैं मौन हुआ, वो व्यक्ति कहने लगे, महाराज मैं तो ये सोच करके आया था कि महाराज कोई नया ज्ञान सुनाएंगे। नया महाराज, उस समय मेरी भी दाढ़ी पूरी की पूरी काली थी, तो सोचा नए संत हैं, युवा संत हैं, कोई नया ज्ञान लाए होंगे, हरिद्वार रहते हैं, काशी जाते हैं, नया ज्ञान लाए होंगे। कबीर ने कहा, मीरा ने कहा, सूर ने कहा, ये तो हमने भी पढ़ा है, हम तो आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आपका अपना निजी ज्ञान क्या है, अनुभव क्या है। मैंने कहा कि देखो भाई, जितने लोग बैठे थे उनसे पूछा, तुमने कभी मिश्री खाई है? बोले हाँ। कैसे लगती है? मीठी लगती है। मैंने उस व्यक्ति को कहा, तुमने भी खाई होगी, तुमको कैसे लगती? बोले मीठी ही लगती है। तो सबका अनुभव तो एक ही हुआ कि नहीं, मिश्री मीठी होती है। हाँ, किसी को पित्त रोग हो गया हो, बात अलग है, बाकी तो मिठास ही आएगा। सच्चाई का अनुभव सबको एक ही होता है। कोई कहे कि मैं बता रहा हूं कि मिश्री मीठी होती है, अरे तेरे कहने से ही नहीं है, उसका स्वभाव ही मिठास है। ठीक इसी प्रकार से कोई यह कहे कि नया ज्ञान, नया ज्ञान कुछ भी नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से ही यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश से प्रहिणोति तस्मै। जिस परमात्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मा को पैदा किया, उस परमात्मा ने अपने स्वरूप का ज्ञान भी ब्रह्मा को प्रदान किया है कि परमात्मा ही तुम्हारी अंतरात्मा मैं हूं,
और वही ज्ञान आज तक गुरु परंपरा से हम लोगों तक चला रहा है। इसलिए सत्य ज्ञान वही है जो परंपरा से चला रहा है। कोई कहे कि मेरा नया ज्ञान है, नया शोध है, तुम नया ज्ञान देने जा रहे हो, इसकी क्या प्रामाणिकता है कि तुम सही कह रहे हो। एक पागल व्यक्ति का जो प्रलाप होता है और तुम अपने ज्ञान की सत्यता बता रहे हो, उस पागल में तुम्हारे में क्या फर्क होगा? वो भी अपने ज्ञान को सही बताता है, तुम भी अपने ज्ञान को सही बताते हो। इसलिए माफ करिएगा, इस तरह की भावना यदि लेकर के आए हैं तो नया ज्ञान कुछ भी मिलने वाला नहीं है, धोखा देने के लिए कथा नहीं है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।